सर्दियों में जब लगे वार्डरोब को अपडेट है करना, तक बिग ब्लिस के क्लोथिंग सेक्शन को एक्सप्लोर है करना। बिग ब्लिस, खुशियों की अपनी दुकान। नमस्कार, जानेंगे कि इस कारोबारी सप्ताह कृषि फसलों में क्या रुझान देखने मिल सकता है। तो शुरुआत इस बार कैस्टर सीड से करते हैं। हमने देखा है कि कैस्टर सीड में 5,800 के नीचे के स्तरों के बाद जो पिछले हफ्ते तेज़ी देखी गई है, उसके बाद 6,250 के करीब के क्लोजिंग देखने मिली। ऐसा लगता है कि कुछ महीनों के करेक्शन के बाद कैस्टर सीड में दोबारा तेज़ी की शुरुआत हुई है। छोटी अवधि में 6,500 का एक लक्ष्य सामने नज़र आता है और जो करंट तेज़ी है, हो सकता है कि 2.5 से 3% और बढ़ेगी। तो इसलिए अगर हम बहुत ही शॉर्ट टर्म की बात करें, एक हफ्ते से 10 सेशंस की बात करें, तो ऐसा लगता है कि 6,500 का एक लक्ष्य हासिल हो सकता है। और यदि प्राइसेस 6,500 के ऊपर भी सस्टेन होने में कामयाब होती हैं, तो 6,850 जो पिछले हाईज हमने 2 या 3 महीने पहले देखे थे, वो दोबारा हासिल हो सकते हैं। तो ओवरऑल कैस्टर सीड में तेज़ी का रुझान जारी रहेगा, ऐसा मेरा मानना है। वहीं मसाला कॉम्प्लेक्स की बात करें, तो हमने धनिया, जीरा और हल्दी तीनों में ही अच्छी खासी तेज़ी के साथ ट्रेड होते हुए देखा। हालांकि पिछले हफ्ते के आखिरी 2 सेशंस में हमने करेक्शन भी आते हुए देखी है। ओवरऑल ऐसा लगता है कि अगर हम जीरे से शुरुआत करें, तो 18,100 से 200 के करीब की क्लोजिंग है। शॉर्ट टर्म में हो सकता है कि हम 17,800 तक के स्तर भी देख पाएँ, लेकिन ओवरऑल पोजिशनली 17,200 के ऊपर जब तक प्राइसेस टिकी हुई हैं, तब तक जो रुझान है वो ऊपर की तरफ रहेगा और 19,100 तक के लक्ष्य भी हमें देखने मिलेंगे। तो शॉर्ट टर्म में शॉर्ट सेलिंग की जा सकती है 17,800 के लक्ष्य के लिए, लेकिन जो निवेशक है वो उस स्तर पर दोबारा बाइंग के लिए री एंटर कर सकते हैं 19,100 के लक्ष्य के साथ। वहीं अगर हम हल्दी की भी बात करें, तो हल्दी में भी 10,200 के करीब की क्लोजिंग है। हालांकि एक नेगेटिव क्लोजिंग थी, तो ऐसा लगता है कि छोटी अवधि में ये करेक्शन जारी रहेगी और 10,050 से 9,950 की जोन भी हमें देखने मिल सकती है। तो यहाँ पर भी शॉर्ट टर्म में सेल करके चला जा सकता है, लेकिन ओवरऑल इसका भी जो ओवरऑल बड़ा रुख है वो तेज़ी की तरफ है और हम काफ़ी जल्द 11,000 के स्तर भी देख पाएंगे, ऐसा मेरा मानना है। तो जो निवेशक हैं वो इस डिप का फ़ायदा उठा सकते हैं दोबारा एंटर करने के लिए और 11,000 के ऊपर के लक्ष्य लिए जा सकते हैं। वहीं धनिया में भी जो फरवरी वायदा है, वहाँ पर हमने देखा कि 10,000 के करीब की क्लोजिंग है और यहाँ पर भी हमें 200 से 250 रुपये की करेक्शन आने वाले हफ्ते में दिखाई दे सकती है और उसके बाद दोबारा तेज़ी जो है वो रुख हासिल कर सकती है अपसाइड का, और हमें 10,800 से 10,900 यानी 11,000 के काफ़ी करीब के टारगेट मीडियम टर्म में देखने मिलेंगे, ऐसा मेरा मानना है। तो तीनों ही काउंटर्स में जहाँ पर जो स्पाइसेस पैक हैं, वहाँ पर ऐसा लगता है कि पोजिशनल बेसिस पे तेज़ी जारी रहेगी। हालांकि अगले हफ्ते हमें हो सकता है कि एक करेक्शन का रुझान देखने मिले। वहीं अगर हम M6 कॉटन की भी बात करें, तो अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार में भी कॉटन का बाज़ार तेज़ है, वहाँ पर भी दाम नई ऊंचाइयाँ छू रहे हैं। यहाँ पर भी हमने देखा कि 35,300 से 35,500 की रीजन में क्लोज देने में कामयाब हुई है प्राइसेस। ऊपरी स्तरों के आसपास 36,000 के भी हाइज हमने देखे। कुछ समय तक ऐसा लगता है 34,500 से 36,000 के बीच एक कंसोलिडेशन का फेज़ होगा, लेकिन ये एक पॉज कहा जा सकता है, क्योंकि काफ़ी बड़ी तेज़ी हमने देखी है, लगभग 30,000 से लगातार तेज़ी आ रही है, तो एक पॉज कहा जा सकता है। ओवरऑल ऐसा लगता है कि 37,500 से 37,600 तक के लक्ष्य हमें मीडियम टर्म यानी 3 से 4 हफ्ते के पर्सपेक्टिव से देखने मिल सकते हैं। तो ये जो डिप हमें आगे नज़र आएंगी 34,500 के रीजन में, वहाँ पर अगर आप निवेश करें, तो वहाँ से करीबन 2.5 से 3,000 रुपये की तेज़ी की उम्मीद हम आने वाले 3 से 4 हफ्तों में कर सकते हैं, ऐसा मेरा मानना है। वहीं सोयाबीन में एक दायरे का कारोबार दिखाई दे रहा है, जहाँ पर प्राइसेस 6,200 से 6,600 के बीच हैं। ओवरऑल ऐसा लगता है लेकिन कि 5,700 के ऊपर जब तक प्राइसेस रहेंगी, तब तक दोबारा हम काफ़ी जल्द 7,000 के करीब के लेवल जो है वो देख पाएंगे।
वहीं ग्वार कॉम्प्लेक्स में छोटी अवधि में इमीडिएट गेन्स देखे जा सकते हैं, जहां पर हमने ग्वार सीड में 6,350 के करीब की क्लोजिंग देखी है, वहीं ग्वार गम में 11,500 की क्लोजिंग आई है। ऐसा लगता है कि छोटी अवधि में 6,600 से 6,650 के लक्ष्य हमें हासिल होते हुए दिख सकते हैं ग्वार सीड में, वहीं 12,100 से 12,200 के लेवल हमें ग्वार गम में देखने मिलेंगे। 6,200 का एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट है ग्वार सीड में, जब तक ये होल्ड कर पा रहा है तब तक मेरा व्यू जो है बाय साइड बना रहेगा और 6,600 से 650 तक के लक्ष्य हासिल हो सकते हैं। वहीं जो एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट हमें ग्वार गम में देखने मिल रहा है वो 11,100 से 11,000 की रीजन का है, जब तक ये लेवल होल्ड कर पा रहा है तब तक 12,000 के ऊपर के स्तर हमें काफ़ी जल्द देखने मिलेंगे, ऐसा मेरा मानना है। तो ये था एक रुझान कि आने वाले कुछ दिनों में और कुछ हफ्तों में एग्री कमोडिटीज़ में क्या रुख देखने मिल सकता है। धन्यवाद।